गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. इन द लास्ट क्लास वी हैड रीड अबाउट अब्राहम लिंकन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. निग्रोज और ब्लैक्स नॉर्मली सो कॉल्ड बाय द वाइट पीपल वेयर कैप्ट एज स्लेव्स. निग्रो और ब्लैक्स, इसको क्या कहा जाता था? मतलब ब्लैक्स को ही निग्रो बोलते थे और वाइट पीपल उसे क्या करते थे, जो गुलाम बना के रखते थे. दे वेयर बाउट एंड सोल्ड इन द मार्केट, वे उन्हें खरीदते थे और मार्केट में बेच देते थे. दे वेयर फोर्स्ड टू वर्क इन द कॉटन प्लांटेशन एंड वेयर ट्रीटेड वेरी बैडली. वे मतलब कॉटन प्लांटेशन में उनको काम करवाते थे और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे. अब्राहम लिंकन वाज अगेंस्ट स्लेवरी, अब्राहम लिंकन गुलामी के खिलाफ थे. बट पीपल फ्रॉम द साउथर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्टेड स्लेवरी एंड इन एगिटेशन सम स्टेट्स इन द साउथ ब्रोक अवे फ्रॉम यूएसए. दिस लेड टू ए सिविल वार बिटवीन द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दिस वाज कॉल्ड द अमेरिकन सिविल वार, वो क्या कहलाया? अमेरिकन सिविल वार. अब्राहम लिंकन ओन द वार एंड फ्रीड द स्लेव्स, अब्राहम लिंकन इस लड़ाई में उनकी जीत हुई और वो गुलामों को आज़ाद करवाए. ही वंस अगेन यूनाइटेड बोथ द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड कॉल्ड इट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इन 1865 अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, 1865 ईस्वी में वो दूसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए. ही डिक्लेयर्ड ए पॉलिसी ऑफ पीस. हाउएवर इन 14 अप्रैल 1865 व्हेन ही एंड हिज वाइफ हैड गॉन टू ए थिएटर टू वॉच ए प्ले, ही वाज शॉट डेड बाय ए मैन कॉल्ड जॉन विकिस बूथ, ए सपोर्टर ऑफ द साउथर्न स्टेट. 14 अप्रैल 1865 में जब वे और उनकी वाइफ दोनों थिएटर में गए थे एक प्ले देखने, उसी समय जॉन विकिस बूथ नाम का आदमी उन्हें मतलब उन पर फायर कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. नेक्स्ट क्या है? महात्मा गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर गुजरात में, 2 अक्टूबर 1869 को. ही स्टडीड लॉ इन लंदन एंड बिकेम ए बैरिस्टर. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विथ ए केस. एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय वहाँ किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का. दे वे आर ट्रीटिंग द ब्लैक अफ्रीकन एंड द इंडियंस वेरी बैडली, वे ब्लैक अफ्रीकन्स और इंडियन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे. गांधी जी स्टेड इन साउथ अफ्रीका फॉर 21 ईयर्स टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस. गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 सालों तक रुके और इसे मतलब इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़े. ही अडॉप्टेड ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंस कॉल्ड सत्याग्रह, मीनिंग ट्रूथ एंड फर्मनेस. हिज मैथड बिकेम वेरी पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका. मतलब उन्होंने सत्याग्रह किया जिसका मतलब मीनिंग था ट्रूथ और फर्मनेस, और ये जो मेथड था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ साउथ अफ्रीका में. ही वॉज एबल टू विन मैनी केसेस, ही वॉज इम्प्रेस्ड मैनी टाइम्स बट ही कंटिन्यूड हिज सत्याग्रह. बहुत बार जेल भी गए लेकिन अपना सत्याग्रह चालू रखे. ही रिटर्न टू इंडिया इन 1914 में इंडिया वापस आए. इंडिया वाज स्टिल ए ब्रिटिश कॉलोनी. ही वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. मतलब वो शॉक हो गए इंडिया का कंडीशन देख के उस समय का. ही इमिडिएटली बिगेन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस काउज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ही आस्क्ड द इंडियंस नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स एंड डिसओवे देयर लो. दिस वॉज कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और क्या कहलाया वो मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इट वॉज स्टार्टेड इन 1920 में यह शुरुआत हुई. इट वॉज ए ग्रेट सक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिली.
Thousands of Indians all over the country became its followers and they refused to cooperate with the British government. They did not become violent even when badly beaten by the police. मतलब जो नहीं they did not become violent even when badly beaten by the police. मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस के द्वारा उन्हें मारा जाता था. In 1942 ईस्वी में गांधी जी started the Quit India movement and civil disobedience movement. It was based on do or die call to force the British to quit India. गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की 1942 ईस्वी में, जिसका मतलब मेन बेस था डू और डाई करो या मरो, और भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ो का ये आंदोलन था ब्रिटिश का, ब्रिटिश लोगों को. गांधी जी वाज अरेस्टेड एंड लेटर रिलीज्ड इन 1944. गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रिलीज किया गया 1944 ईस्वी में. फाइनली द ब्रिटिशर्स डिसाइड टू विदड्रॉ फ्रॉम द कंट्री एंड इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. मतलब फाइनली ब्रिटिश क्या के डिसाइड किए मतलब देश को आज़ाद करने के लिए इंडिया को, और उन्हें आज़ादी कब मिली 15 अगस्त 1947 को. गांधी जी नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर बट ऑल्सो फाउट अगेंस्ट मैनी सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम एंड अपलिफ्टिंग ऑफ वुमेन. ही ऑल्सो वर्कड फॉर द यूनाइटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स इन द कंट्री. ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ही सॉट द वर्ल्ड द पथ ऑफ ट्रूथ. वो दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाएं. लव पीस एंड नॉन वायलेंस. ट्रूथ लव पीस एंड नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना सिखाए. पीपल लव्ड हिम एंड कॉल्ड हिम बापू. लोग उन्हें प्यार से बापू बोलते थे. ही इज ऑल्सो कॉल्ड महात्मा मीनिंग ग्रेट सोल. गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाई ए हिंदू फैनेटिक नेम नाथुराम गोडसे. 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के हाथों उनकी मृत्यु हो गई. सो चिल्ड्रेन टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक यू.